स्माइल फाउंडेशन इस पॉज के जरिए आज हम सभी एक रैंप ऑफ भी करने वाले हैं जी। आप भी एक ब्यूटीफुल गेटअप में क्या कहेंगे, क्या थॉट है आपके इस पॉज को? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं वॉक कर रहा हूँ अर्चना कोचर के लिए और स्माइल फाउंडेशन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, ऑलमोस्ट 10 साल पहले से आई हेल्प जो भी मैं कर सकता ऑफ कोर्स एंड आई हैव अ डॉटर, मुझे भी एक छोटी 3-3.5 साल की लड़की है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है कि लड़कियों के बारे में जो भी एक हवा क्रिएट किया जाता है या एक जो भी इश्यूज़ है उनको कहीं पर एक नए टाइम में नए ज़माने में भी हम लोग के जैसे लोगों को भी झेलना पड़ता है और सामने आ रही है इश्यूज़, यू नो हमारी ओल्डर जनरेशन उसको कैसा बिहेव करती है कैसे नहीं होते, सो इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम आज कर रहे हैं। ये प्रॉपर ये एक बहुत ही खूबसूरत शेरवानी है और बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं एक इंडियन कंप्लीट इंडियन लुक में हो और यू नो मेरा भी थोड़ा सा ऐसा गर्दन वर्दन थोड़ी कड़क हो गई क्योंकि आई एम फीलिंग मच स्ट्रॉन्गर। जैसे कि आपने कहा कि आप वॉक कर रहे हैं, मतलब क्या तैयारी करी, आपने कुछ खास तैयारी करी है वॉक करने के लिए? नहीं ऐसा कोई खास एक्चुअली आप क्या पहनते हो इसके ऊपर वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर मैं एक इंडियन पहन रहा हूँ तो मुझे अपना वॉक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रखना पड़ेगा, अगर मैं थोड़ा फंकी थोड़ा अजीब थोड़ा अलग पहनता तो शायद मेरा वॉक जो था वो अलग होता, लेकिन अभी इंडियन है एक तो एक प्रोफेशनल तरीके से या एक ट्रेडिशनल तरीके से मैं वॉक करूँगा। किस बारे में? नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा। उनके गाने क्या? मुझे अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं अभी उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मेरा ही गाना है जो मैं हमेशा सबके लिए गाता हूँ और आज भी मेरा यही मोटिव है। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। थैंक यू। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, ऐसे कॉजेज़ ज़्यादा ज़्यादा होने चाहिए और आप लोगों को जैसे पता ही है जो गर्ल चाइल्ड है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को लेके यहाँ पे, यू नो बॉयज़ को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ये होता है वो होता है, गर्ल्स कभी अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर सकते, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आई थिंक अभी चेंज का टाइम आ गया है और अभी इक्वालिटी का टाइम आ गया है, सो जितना ये होगा उतना कम है और होना चाहिए। वॉक करूँगी, सिंग करने को बोलेंगे वो भी कर दूँगी। मैं सोच के आई थी कि मैं सूरज डुबाए गाऊँगी बिकॉज वो गाना यू नो इतना बड़ा हिट था और सबको थोड़ा हैप्पी मूड में डाल देता है, तो मैंने सोचा मैं वो गाऊँगी। आई मीन यूजुअली हमारे लिए नॉर्मल नहीं है वॉक करना ऑफकोर्स रैम्प पे, लेकिन हम लोग गए थे ट्रायल्स के लिए गए थे, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है कर लेंगे, आपकी दुआ से कर लेंगे। लेजेंड है वो तो, ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल ही लेजेंड है और क्या बोलूँ मैं अभी, आई थिंक कि उनको लेट मिला है, ऐसे लेजेंड्स को बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए और ऐसे लेजेंड्स बनते रहे और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा करें। मैंने अभी 2-3 गाने रिकॉर्ड करे हैं लेकिन कौन सी फिल्म में है क्या है मुझे पता नहीं, बट आई होप कि जल्दी आ जाए। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ तेरे दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ, ओ सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के। थैंक यू।